आई हैव द बेस्ट बॉस, मेरा बॉस सबसे बढ़िया है। अनुराग जी देखिए, अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे, उसका पक्ष ले रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक देश एक चुनाव को अस्वीकार किया है, यानी विरोध किया। देखिए कांग्रेस तो वन नेशन वन टैक्स से लेकर ना जाने 370-35A का भी विरोध करती थी, राम मंदिर का भी विरोध करती थी, ट्रिपल तलाक का भी करती थी, ना जाने क्या क्या करती थी, नारी शक्ति बंधन बिल की बात करती थी लेकिन लाती नहीं थी। अगर इनके सहारे चलते तो देश वहीं का वहीं खड़ा रहता, 10 साल वहीं खड़ा रहा, 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था। मोदी आए तो 5वें नंबर पे पहुंचाया, मोदी आए तो बाकी काम करके दिखाए। अब आप इनकी ओर क्यों देखते हैं? ये अपने घोषणा पत्र में वादा, ये तो मन रखने के लिए घोषणा पत्र बना रहे हैं। आना तो हमने सत्ता में, लागू भी वही होना है। अच्छा अनुराग जी, एक सवाल छूट गया था, मैं माफी के साथ, क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा हुआ है, अभी आपको जाना है न्यूज अगले किसी कार्यक्रम में। रणदीप सुरजेवाला का एक बयान आया हरियाणा से, कल आपने सुना होगा, वो जिस तरह से हेमा मालिनी पर उन्होंने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट पूरे देश ने देखा, कैसे कंगना रनौत पे उनके द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। आखिरकार चुनाव आते ही ये कैसी भाषा का प्रयोग शुरू हो जाता है, और रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े नेता हेमा मालिनी जैसे नेता के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? देखिए बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत कष्ट होता है सुन के जब ऐसी टिप्पणियां विशेष तौर पर महिला शक्ति के खिलाफ आती हैं। लेकिन ये बड़े संयोजित ढंग से करते हैं साहब, ये लोग चाहते नहीं कि देश विकास पे चर्चा करे, मोदी सरकार की उपलब्धियों पे चर्चा हो, ये देश के जो बढ़ते कदम हैं उस पे चर्चा हो, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी जी बने, या दुनिया को सबसे बड़ी उम्मीद आज भारत में नजर आती है, भारत दुनिया का ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा, हमारी ताकत है। ये चाहते नहीं इन मुद्दों पर विषय हो, इसलिए चैनल को कुछ ना कुछ ऐसे दे देते हैं। पहले राहुल गांधी जी किसी अभिनेत्री के खिलाफ टिप्पणी या उस तरह से कर देते हैं कि नाचने वाली से लेके, फिर वो शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं महिला बहन बेटियों के खिलाफ, फिर इनका एक नेता कभी हेमा मालिनी जी पे टिप्पणी करते हैं, कभी कंगना जी पे करते हैं, कभी किसी और पे करते हैं, लालू जी थे वो पहले ऐसा करते थे। ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन करते हैं साहब, इनके मन में जो महिलाओं का अपमान भी करते हैं और मोदी का अपमान या उनकी उपलब्धियों से हटाने का काम भी करते हैं, ये बहुत सिस्टमेटिकली काम करते हैं। ये चाहते नहीं कि मूल विषयों पर चर्चा हो, ये तो केवल महिलाओं को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये नीचा दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि आज की नारी की अगर आप ताकत देखोगे, अगर भारत ने 2018 के बाद आज तक जितने मेडल जीते उसमें से 50% भारत की बेटियों ने जिताए हैं। अगर आप पिछले साल इस साल की रिपब्लिक डे परेड देखेंगे, रिपब्लिक डे परेड पे जितनी झांकियां निकली उसका नेतृत्व भारत की बेटियों ने किया है, महिला नेतृत्व विकास हुआ। आज किसी भी मंच पे भारत की बेटियां भारत का सर ऊंचा कर रही हैं और ये आज हमारी ताकत बनी है। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सुन लो राहुल गांधी और सुन लो कांग्रेस पार्टी।